अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ पोटैटो चिकन कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत इजी है, बहुत जल्द बन जाते हैं ये कटलेट्स। इसके लिए यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं, 4 अदद आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 कप चिकन है हमारे पास बॉईल और श्रेडेड। इसके अलावा हरा धनिया लिया है हमने, हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, यहाँ पर वाइट पेपर है, सॉल्ट, सोया सॉस, लेमन जूस, ब्लैक पेपर और रेड क्रश चिली। इसके अलावा हमें अंडा और ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी इसको कोट करने के लिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले आलू के अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल की हैं। यहीं पे तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें के हमारे पास है सोया सॉस, लेमन जूस, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड क्रश चिली। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप इसका स्पाइस चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप थोड़ा सा स्पाइस और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसकी कटलेट्स बना लेंगे। चिकन मैं आपको बताती हूँ कि चिकन जो मैंने बॉईल किया था उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसको बॉईल किया था और उसके बाद श्रेड कर लिया था। इस तरह से कटलेट्स आप राउंड बनाना चाहते हैं, ओवल बनाना चाहते हैं, जौन सी शेप आपको पसंद है उस शेप में बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसे कॉर्नर से प्रेस कर रहे हैं, तो इसके साथ कॉर्नर्स जो है वो ऑयल में ओपन नहीं होते। ये देखें, तमाम कटलेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है इनकी कोटिंग की। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ब्रेड क्रम्स लिया है। सबसे पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी कोटिंग चाहते हैं तो इसको आप 2 दफ़ा कोट करेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी कोटिंग बनेगी, लेकिन 1 दफ़ा कोट करने से भी अच्छी क्रिस्पी बन जाती है। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से दबा दबा के इसको रोल करें ताकि कोई भी साइड जो है वो ओपन ना रहे। इस तरह से मैं तमाम जो है कटलेट्स उनको कोट कर लूंगी। ये देखें, तमाम कटलेट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हम अच्छा गर्म कर लेंगे और इसमें फिर हम कटलेट्स ऐड करते जाएंगे। ये कबाब हमें शैलो फ्राई करने हैं, इनको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 दफ़ा में उतना ही ऐड करें जितने के इजीली इसमें आ सकें और हम इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम ना तो बहुत तेज़ होना चाहिए और ना ही बहुत स्लो होना चाहिए। अगर फ्लेम बहुत स्लो होगा तो कटलेट्स जो है वो खुल सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो कटलेट्स जो है वो ज़्यादा फ्राई होकर थोड़ा डार्क हो सकते हैं। इस तरह से ये देखें, 3 से 4 मिनट हुए हैं और मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन फ्राई करके इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि कितना इजी था इन कटलेट्स को तैयार करना, बहुत मज़े के बने हैं ये। रेसिपी पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।